डल ट्रेड फिर से आपको बड़े शेयर्स में दिखेगा। हो सकता है मिड कैप में ज्यादा एक्शन दिखे, पर शुरुआत में तो ऐसा नहीं है। एडवांस के साथ अच्छे ओपन हुए हैं, 800 शेयर करीब करीब एडवांस के अंदर आपको मिले हैं, 600 शेयर्स का डिक्लाइन है। टफ कॉल आपसी फाइट है, कल 100 पॉइंट हमने जोड़े थे, उसमें से 60% पॉइंट्स हमने खो दिए, यानी कि 100 पॉइंट जोड़ने मुहूर्त ट्रेडिंग में, आज 60 पॉइंट हम ऑलरेडी खो चुके हैं वापस से। अब देखते हैं बाजार के अंदर अभी आगे अभी क्या होता है। 43,800 का एक अहम सपोर्ट है बैंक निफ्टी का, 43,838 पे अभी ये ट्रेड कर रहा है। निफ्टी के लिए जो अहम सपोर्ट है वो 19,400 है, ये नहीं जाना चाहिए और मैं उम्मीद भी करता हूँ नहीं ही जाएगा, ये जाएगा भी नहीं अभी। आप फिर भी आप थोड़ा सचेत रहिएगा, एक्टिव रहिए, अगर जाए तो पोजीशंस को लाइट करना या फिर वित्तीय सलाहकारों से पूछने की परंपरा को और आगे बढ़ाइएगा। आगे बढ़ जाते हैं, जरा तेज़ी से आपके सामने मैं शेयर्स रखता हूँ। अब वैसे देखा जाए तो आज कोई 2 या 5 शेयर ऐसे हैं जहाँ पर आपको करीब 1/4% से 2% तक का मूव है, इसके अलावा तो शेयर भी नहीं है। मैं सिर्फ बड़े शेयर्स की चर्चा आपके सामने कर रहा हूँ। इस समय अगर आप आइशर मोटर देखें तो करीब वो 1.5% ऊपर आ चुका है नंबर जो पोस्ट रिपोर्ट्स पे दम पर। BPCL आपको ध्यान रखना चाहिए, 0.5% ऊपर है। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले प्रशांत से पता किया था कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज क्या सरकार की लिस्ट में भी रहेंगी, उनका भी कहना था कि यस। इसके अलावा कोल इंडिया, अदानी एंटरप्राइज और एक हिंडाल्को। मेटल्स वाले शेयर्स को ना ज़रूर पता करके रखिए, हम भी कोशिश करेंगे कि एक्सपोर्ट से बार बार मेटल कंपनीज पता करें, लेकिन इनमें चर्निंग का बेनिफिट आ सकता है और कुछ नहीं। इन्फोसिस करीब 1% नीचे, बजाज फाइनेंस करीब 0.5% नीचे, अपोलो हॉस्पिटल पहले नंबर्स के बेसिस पे चला, अब थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करा रहा है। टाटा कंज्यूमर्स में भी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, ब्रिटानिया में भी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। ये चार्ट खराब नहीं है बट ये प्रॉफिट बुकिंग का शिकार है। डिक्लाइंस इस समय करीब डबल हो चुके हैं, आपने देखा जब एडवांसेस बढ़े हुए थे 750, लेकिन अभी डिक्लाइंस करीब 1100 हो चुके हैं, यानी कि बाजार के अंदर आज शुरुआत में जो थोड़ा गैप डाउन हुआ है ना, उसने जो छोटे मोटे प्रॉफिट्स मुहूर्त ट्रेडिंग पे आए थे वो वापस से थोड़े हल्के कर दिए हैं और कुछ नहीं हुआ। अब देखते हैं, फिर भी अभी हम रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन कुछ भी नहीं किया हमने। एलकेएम लैब थोड़ी देर पहले चर्चा हुई थी तो वो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे थे, अब वो अभी भी आज आपको हरे निशान में आपका दिखेगा। मैं जल्दी से नेक्स्ट 50 भी चेक कर देता हूँ और कुछ मिड कैप के काउंटर्स भी आपके लिए मैं दिखा दूंगा। ABB के अंदर करीब 1/4% की बढ़त, जिंदल स्टील, डी मार्ट जैसे शेयर्स में आज हल्का हल्का फायदा आपको दिख रहा होगा। ये हीट मैप आपकी स्क्रीन पर है इस समय। आइशर कोल, BPCL और हिंडाल्को, इसमें BPCL और कोल इंडिया दोनों अच्छे चलते हुए शेयर हैं। आइशर नंबर्स और हिंडाल्को भी आपको स्पीड से बढ़ता हुआ अब दिख रहा है ऊपर। छोटे मझोले शेयर्स की कैटेगरी, इसको हम नेक्स्ट 500 शेयर्स कहते हैं, वहाँ पर भी अगर आप चेक करेंगे तो बायोकॉन, मेदांता, ग्लेनमार्क, क्वेस्ट जैसे शेयर और एक एप्टेस होम के नाम से मैंने आपको एक शेयर बताया था जिसमें 1.5% इक्विटी का हाथ बदला हुआ था, उस दिन के बाद से वो शेयर चला, लेकिन आज फिर से इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिख रही है। चलते हैं मुंबई स्टूडियो, वहाँ पर